राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यानी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। 14 सितंबर को राजधानी दिल्ली में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई जब दिल्ली के मौर्य एन्क्लेव में रहने वाले एक बिजनेसमैन के घर मंगलवार शाम को करोड़ों की लूट का मामला सामने आया। देश की राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े हुई इस लूट ने दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल या निशान खड़े कर दिए थे। आपको बता दें कि ये लूट दिल्ली के चांदनी चौक स्थित कूचा महाजनी बुलियन मार्केट के प्रधान और बुलियन ज्वेलरी एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश सिंगल के घर उस वक्त हुई जब वे अपने पुत्र के साथ चांदनी चौक स्थित कार्यालय पर गए हुए थे और उनकी बेटी किसी काम से घर से बाहर थी और उस वक्त उनकी पत्नी घर पर अकेले थी। योगेश सिंगल की पत्नी ने क्राइम ब्रांच को जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने अपने घर में कुछ दिन पहले ही दो लोगों को घरेलू काम पर रखा था। महिला को घर में अकेली पाकर दोनों नौकर ने पहले महिला की आंखों में लाल मिर्च पाउडर झोंक दिया और चाकू की नोक पर उसके हाथ पैर बांधकर उसे बाथरूम में बंद कर दिया। इसके बाद दोनों नौकर घर में रखी करीब 50 लाख रुपए की ज्वेलरी तिजोरी समेत और कैश लेकर फरार हो गए। मामले की जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस छानबीन में जुट गई। पुलिस को सीसीटीवी से भी सुराग मिला। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए पूरे इलाके में नाकाबंदी शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर आलोक कुमार की टीम ने नौकरों के बारे में जानकारी जुटाई। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि दोनों नौकरों को कुछ दिन पहले ही काम पर रखा गया था और दोनों का पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं करवाया गया था। जांच में ये भी सामने आया कि पुराने नौकर ने आरोपी नौकरों को काम पर रखवाया था। जांच के दौरान पुलिस को ये भी पता चला कि मंगलवार शाम से ही पड़ोस में रहने वाला एक और नौकर सुनील गायब है। सबसे पहले पुलिस ने सुनील को धर दबोचा और उसने लूट की पूरी कहानी बता दी। सुनील की निशानदेही और सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की ज्वाइंट कमिश्नर की टीम ने एक के बाद एक आरोपियों को धर दबोचा। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर आलोक कुमार ने बताया कि अमन, संजीव और राम पुकार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से पुलिस ने लूट की 50 लाख की ज्वेलरी और लगभग 45,000 कैश भी बरामद किया है। चारों आरोपी अमन कुमार, संजीव कुमार, राम पुकार यादव और सुनील बिहार के मधुबनी के रहने वाले थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे बिहार के रास्ते नेपाल जाने की फिराक में थे। आपको बता दें कि इतनी बड़े अपराध की गुत्थी को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने मात्र 12 घंटे में सुलझाकर आरोपियों को सलाखों के पीछे डाल दिया। इस अपराध को सुलझाने में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर दिल्ली वासियों पर विश्वास बनाते हुए ये साबित कर दिया कि दिल्ली में अपराधियों की खैर नहीं है। इस घटना के बारे में विस्तार से जानने के लिए हम आपको उस शख्स से मिलवाते हैं जिनकी ये आप बीती है। नेशनल चैनल कात्यानी टीवी के चैनल हेड और हमारे वरिष्ठ संपादक ललित सुमन ने बुलियन ज्वेलरी एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश सिंगल से बातचीत की। इस बातचीत में योगेश सिंगल ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी परिवार से जुड़े, जिनके पिता और दादा दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी देने का काम किया। उनके पुत्र हैं योगेश सिंगल जी, जो चांदनी चौक के चेयरमैन हैं द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के, जो देश का जाना माना एसोसिएशन है ज्वेलरी और बुलियन के क्षेत्र में। योगेश जी, आपका स्वागत है नेशनल टीवी चैनल कात्यानी पर। हम आज आपसे बात करेंगे, जो भारत की राजधानी दिल्ली में आप रहते हैं और भारत की राजधानी दिल्ली में कानून और व्यवस्था की जब बात होती है तो लोगों के मन में एक सवाल उठने लगता है, जो आखिर क्या होगा। लेकिन आपके साथ पिछले दिन, आपके परिवार के साथ पिछले दिन जो घटना घटी और दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच द्वारा जिस गति से कार्रवाई करके न सिर्फ अपराधियों को गिरफ्तार किया गया बल्कि अपराधियों द्वारा लूटे गए माल को भी बरामद कर लिया गया, तो आप इस संदर्भ में राष्ट्र को क्या बताना चाहेंगे और दिल्ली पुलिस के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें सबसे बड़ी सतर्कता है कि किसी भी आदमी को अपना तीसरा नेत्र खोल के रखना चाहिए, हमेशा शक की नज़र से अपने कर्मचारियों को
किस तरह से हम लोग इनको इनकी पुलिस वेरिफिकेशन करा सकें, किस तरह से घर में इनका बिहेवियर हो, किस तरह से इनको अकेले परिवार में छोड़ा जाए, तो उसके लिए बहुत सतर्कता जरूरी है। हालांकि जब खराब समय आता है तो सारी सतर्कता धता बता दी जाती है और ऐसा पहाड़ टूट पड़ता है परिवारों पे कि वो बयान करना मुश्किल होता है। ऐसा ही कुछ मेरे परिवार के साथ हुआ। मेरे परिवार में हम 5 लोग हैं, मेरा बेटा और मैं चांदनी चौक शॉप पे चले जाते हैं, सुबह शाम को आते हैं। मेरी बिटिया थी उस टाइम, वो बाज़ार चली गई। बहूरानी थी, वो अपने मैके गई हुई थी। और 2 मेड सर्वेंट थी, उनको भी एक को वैक्सीन लगवाने के लिए और एक को छुट्टी दे दी गई, कभी कोई ज़्यादा काम नहीं तो छुट्टी दे दी गई। कुल मिला के वो जो 2 टेम्परेरी नौकर मैंने रखे थे, पिछले दिनों जैसे बारिश आई थी और मेरे बेसमेंट में पानी भर गया था, काफ़ी नुकसान हुआ था, तो फर्नीचर वगैरह की सफाई के लिए, भारी भारी चीज़ें उठाने के लिए मेरे को 2 मजदूरों की ज़रूरत थी। मैंने अपने पुराने वफादार नौकर से ये सोच के कि भी बाज़ार से मंगाऊंगा तो रोज़ाना नौकर बदल के आएंगे, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मैंने उनसे 2 नौकर मांगे 10-15 दिन के लिए। उनका सारा आधार कार्ड वगैरह, जो भी उनके फ़ोटो वगैरह सब मेरे पास थे। उनके घर के एड्रेस मेरे वफादार नौकर ने देखे हुए थे, गांव के भी और दिल्ली के भी। उसके बावजूद भी शायद 5-7 दिन हुए थे उनको, और उन्होंने मौका पाके अकेले, कब किसी आदमी की नीयत डोल जाए ये बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि 25 साल के नौकर भी हैं, वफादार हैं, उसके बावजूद भी हमने देखा है अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि मेरे को 40 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो 25 साल पुराने वफादार नौकर भी कई बार बेईमान हो जाते हैं। तो हर वक्त हमको सतर्कता रखनी चाहिए, अपने CCTV कैमरे मजबूत होने चाहिए। मेरे घर पे सब जगह CCTV कैमरे लगे हुए थे जो कि 24 घंटे ऑन रहते हैं। तो दूसरा, पुलिस वेरिफिकेशन रखिए। तीसरा, कोई ना कोई पैनिक बटन ज़रूर घर में होना चाहिए। हमारे RWA मीटिंग है अभी, तो हम उसमें विचार करेंगे कि कैसे हम पैनिक बटन लगा सकते हैं घरों में, अगर कोई अचानक से परेशानी हो जाए तो किस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं। योगेश जी, ये बताइए जो कि यह घटना कब हुई, कैसे हुई, और आप दिल्ली में कौन से क्षेत्र में रहते हैं जहां इस तरीके की वारदात? देखिए, मैं पीतमपुरा में रहता हूं, और ये घटना शाम को 6:15 वो अंजाम देके घर से निकल चुके थे। 5:40 पे वो नीचे से, जहां वो पार्किंग में अपने सर्वेंट रूम में रहते थे, वहां से 5:40 पे वो ऊपर के लिए निकले। तो मैं समझता हूँ 15-20 मिनट उन्होंने भूमिका बनाई होगी, देखा होगा माहौल क्या है, कैसे है। और जैसे ही हमारी जो वो मेड है वो निकली 5:30 बजे, उसके तुरंत बाद उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। तो 15-20 मिनट में ये सारी घटना को अंजाम दिया गया। वो कमरे में आए, कमरे में उनके हाथ में कटोरा था, कटोरे से पहले मेरी पत्नी को आँखों में मिर्च डाल दी, उसके बाद में उसके मुँह पर हाथ रख दिया, फिर गला दबाया, और जब वो छटपट आई तो छाती के ऊपर उसने घुटना रख के उसको कवर किया। जब उसको लगा कि अब मैं बचने वाली नहीं हूँ हाथ पैर मार के, तो उसने अपनी गर्दन टेढ़ी कर दी और जीभ बाहर निकाल दी। तो उन्होंने समझा कि ये मूर्छित हो गई है या मर गई है या जो भी उन्होंने समझा होगा। उसके बाद मुंह बांधा, हाथ बांधे और पैर बांध दिए, जो कि वो पहले ही चद्दर नीचे जो उनको बिछाने के लिए दी गई थी उसको फाड़ के भी इंजाम किया था। ये करने के बाद उन्होंने दोनों ने पकड़ के और बाथरूम में धक्का दे दिया। बाथरूम में धक्का देने के बाद मिसिज ने बंद हाथों में और आँख बंद थी क्योंकि मिर्च लगी हुई थी, तो अंदाजे से बाथरूम की चटकनी बंद की। उसके बाद अपने बंधन खोले और फिर आँखों को साफ किया, मुंह धोया, और दरवाज़ा जोर जोर से पीट के अड़ोसी पड़ोसी से मदद की गुहार मांगने लगी, और ये भी सोच के कि ये सुन सुन के शायद ये लोग भी भाग जाएंगे। ऐसा ही हुआ, और 10-15 मिनट बाद जब उन्होंने देखा कि आवाज़ बंद हो गई है, तो झांक के उन्होंने कमरे में देखा और वो गेट खोल के कमरे में आ गए। कमरे का उन्होंने गेट बंद करके CCTV ऑन किया, सुनिश्चित किया कि ये लोग घर में हैं, छुपे हुए या जा चुके हैं। जब वो जा चुके थे तो मिसिज ने लैंडलाइन से फ़ोन मिलाया, क्योंकि उनका मोबाइल भी वो ले जा चुके थे। लैंडलाइन से फ़ोन नहीं मिलाया तो उसको नंबर सही नहीं लगा, क्योंकि आँखों में मिर्ची भी थी और ब्लर थी, तो वो प्रॉपर नहीं कर पाई। तो उनके दिमाग में पड़ोसियों के जाने की बात आई, वो तुरंत भाग के सारा मकान खुला छोड़कर पड़ोसी घर में गई, उनको सारी घटना बताई और मुझे फ़ोन करने के लिए कहा। सारे पड़ोसी तुरंत इकट्ठा हो गए और मुझे 7:04 पे फ़ोन आया। जैसे ही मेरे को फ़ोन आया, मैंने तुरंत पुलिस को इतला दी 100 नंबर पे, और फिर ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठ के मैं अपने घर के लिए
रवाना हो गया। फिर मैंने कुछ अधिकारियों से संपर्क किया, उन्होंने काफ़ी मदद की और क्राइम टीम, फॉरेंसिक टीम और टेक्निकल टीम, नॉर्थ वेस्ट की डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी, एसएचओ, सब पूरी की पूरी टीम वहाँ पर वर्किंग में थी। मैंने उनके नंबर भी दे दिए, उनकी फ़ोटो भी भेज दी थी। उन्होंने सर्विलांस पे लगा के और उसमें पाया कि दो आदमियों ने एक ही व्यक्ति से बात की है। जैसे ही उनको पता लगा वो शकूरपुर में सुनील नाम का व्यक्ति था, तुरंत उन्होंने उसको अरेस्ट किया। मतलब कार्रवाई एक बहुत ही तेज गति से, मैं दिल्ली पुलिस को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत ही चीते की फुर्ती से उन्होंने ये केस खोला और रात को 3-4 बजे तक मेरे ख्याल में ये सारा केस वर्कआउट हो चुका था। मुझे सुबह 7 बजे ACP क्राइम ब्रांच के विकास सियोकंद का फोन आया सेक्टर 18 रोहिणी से कि सिंगल साहब आपका सारा माल बरामद हो गया है और 4 लोग इसमें जो इन्वॉल्व थे वो अरेस्ट कर लिए गए। आपने सुना किस प्रकार से दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की टीम ने मात्र 12 घंटे के अंदर ना सिर्फ अपराधियों को दबोचने में सफल रहा बल्कि लूटी गई माल भी बरामद कर लिया दिल्ली पुलिस का क्राइम ब्रांच। और इस बात की जानकारी जब ACP द्वारा विकास सिवकंद के माध्यम से योगेश सिंघल जी को दी गई तो उन्हें एक बार तो विश्वास ही नहीं हुआ जो इतनी तेजी के साथ भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो काम किया इसके लिए योगेश सिंघल बार बार दिल्ली पुलिस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, धन्यवाद अदा कर रहे हैं। साथ ही वे सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि आप अपने घर में नौकर को रखने से पहले उसका वेरिफिकेशन ज़रूर करा लें, सुरक्षा की संपूर्ण व्यवस्था आप अपने घर में रखें, यहाँ तक कि एक पैनिक के बटन भी रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर गृह के अंदर रहने वाले लोग उसे दबाकर अपनी सुरक्षा को सुरक्षित कर सकें। योगेश जी आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, जो 12 घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस का क्राइम ब्रांच और ACP विकास सिवकंद के नेतृत्व में यह सारी कार्रवाई जो है सो हुई और 4 अभियुक्त पकड़े गए। हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप स्वतंत्रता सेनानी परिवार से भी जुड़े हुए हैं और आपके पिताजी की स्वर्ग जाने का जो है सो बहुत कम उम्र में हो गया, जब आप बहुत कम उम्र के थे उस समय से, तो आपने बड़ा संघर्ष करके अपने जीवन की यात्रा जो है सो आपने अब तक यहाँ तक तय किया है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ज्वाइंट ACP क्राइम जो अभी आलोक कुमार जी हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं और दिल्ली पुलिस का क्राइम ब्रांच जो है, क्राइम की जो टीम है वो सर्वश्रेष्ठ टीम मानी जाती है अपराध नियंत्रण की दिशा में। तो आपने क्या अनुभव किया इस घटना के घटने से लेकर करके रिकवरी तक, आप इसके संदर्भ में राष्ट्रवासियों को जरा बताइए। देखिए, मेरे फादर 1.5 साल की उम्र में मुझे छोड़ के चले गए थे। मैं नहीं पहचानता था उनको, फोटो में मैं देख के पहचानता हूँ कि ये मेरे पिताजी थे। और जो हमारे बाबा जी थे वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। जो हमें विरासत में मिला, जो हमें बताया गया कि आपके फादर, आपके बाबा जी फ्रीडम फाइटर थे, उन्हीं की प्रेरणा से हम आगे बढ़े। हमने बहुत ही कष्ट के साथ अपने को पाला पोसा, बड़ा किया और इस लायक बनाया कि हम लोग भी उन दबे कुचले और पिछड़े लोगों की सेवा कर सकें जिनकी पहुंच ऊपर तक नहीं है या जो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। आज मेरे को पूरा जीवन मैंने अपना इसमें लगा दिया कि अपने समाज की सेवा के लिए और व्यापारियों की सेवा के लिए। दूसरी चीज़, क्राइम ब्रांच के जो आलोक कुमार जी हैं वो बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं और अच्छे ऑफिसर भी हैं। उनको सूचना मिलने के बाद बराबर उन्होंने ही मेरे से संपर्क किया, आज सुबह भी मेरे को संपर्क किया और बाकायदा मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं ऑफिसर से बात कर रहा हूँ, एक पारिवारिक सदस्य से बात हो रही है, इस तरह से उन्होंने बिहेव किया। और उनकी टीम ने भी मेरे को इतना कोऑपरेट किया,
सब चीज़ें, मतलब मुझे नहीं पता, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा, सारा काम उन्होंने अपने हिसाब से कैसे होता है, सब उनकी सर्विलांस टीम थी या टेक्निकल टीम थी या फॉरेंसिक टीम थी, उनको क्या करना है। डीसीपी साहिबा थी वहाँ पर, अपना डीसीपी नॉर्थ वेस्ट, उन्होंने मेरी पत्नी की हालत जब ख़राब देखी तो उन्होंने अपने एक लेडीज और एक जेंट्स कांस्टेबल को कहा कि इनको हॉस्पिटल में लेके जाए। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि ऑफिसर ऐसे भी होते हैं कि परिवार से कितनी संवेदना रखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा परिवार खड़ा है, मुझे पुलिस नज़र नहीं आ रही थी, मुझे लग रहा था कि मेरा परिवार खड़ा है। मुझे बहुत ही भरोसा है दिल्ली पुलिस में और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि कमिश्नर साहब से उस टीम को मैं एक सम्मान दिलाऊं। दूसरी मेरी कोशिश रहेगी कि चांदनी चौक में मेरा चूंकि व्यापार है और हमारे यहाँ डीसीपी नॉर्थ लगते हैं मिस्टर एंटो अल्फोंस, अभी पिछले दिनों ही उन्होंने 65 लाख रुपए की एक लूट हो गई थी, उसको बहुत कम समय में खोल दिया। और इस तरह के हजारों मामले हैं जो हमारे घटना घटती रहती है जुर्मों के साथ में, 100% रिकवरी के साथ ऐसे ऐसे मुश्किल केस खोल देते हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनको भी मैं सम्मानित करा सकूँ, मेरा ये प्रयास रहेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में, अभी समय है एक ब्रेक का, बहुत छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम फिर बात करेंगे द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन योगेश सिंगल जी से, आप कहीं जाए नहीं। देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश, आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यानी पर, ब्रेक के बाद फिर से आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। ब्रेक पर जाते समय हम बात कर रहे थे चेयरमैन द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन चांदनी चौक योगेश सिंगल जी से। उनके घर एक घटना घटी थी और उस घटना के बाद जो दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्य दक्षता को दर्शाया है, दिल्ली पुलिस की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। क्राइम ब्रांच की टीम ने 12 घंटे के अंदर न सिर्फ मामले को सुलझा लिया बल्कि अपराधियों को भी दबोचने में सफल रहा। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार के नेतृत्व में लगातार दिल्ली पुलिस एक से बढ़कर एक क्राइम के मामले सुलझाती चली जा रही है और चारों तरफ दिल्ली पुलिस को इसके लिए प्रशंसा मिलता जा रहा है और भविष्य में भी इस प्रकार के काम होते रहेंगे जिससे आम लोगों का विश्वास दिल्ली पुलिस के प्रति बनी रहे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में राकेश अस्थाना के नियुक्ति के बाद दिल्ली पुलिस कर्मियों का मनोबल भी काफ़ी बढ़ा है। बीट स्तर से लेकर मुख्यालय तक पुलिस कर्मियों के हौसले बुलंद हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने अपने प्रदेश के सभी बीट कर्मियों को
कहा है कि आप अपने अपने बीट में अपराध नियंत्रण की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएं, और अगर आपको कहीं किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप पुलिस मुख्यालय तक आकर अपनी बात रख सकते हैं। पिछले दिनों पुलिस कमिश्नर कुछ पुलिस कर्मियों से मिलकर उनकी समस्या को भी जानने का प्रयास किया, जिससे दिल्ली पुलिस कर्मी का मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ है और अपराधियों के हौसले पस्त होते नज़र आ रहे हैं। फिर भी अभी भी बहुत गुंजाइश है अपराध नियंत्रण की दिशा में सक्रियता की, और विभिन्न थाना क्षेत्रों में दिल्ली पुलिस की सक्रियता के कारण अपराधियों के हौसले पस्त हैं, लेकिन कुछ जगह अभी भी संगठित अपराध फल फूल रहे हैं, जिस पर नज़र डालने की ज़रूरत है। उस जिला के पुलिस अधीक्षक को और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर से लेकर कमिश्नर तक को, क्योंकि संगठित अपराध पर जब तक नियंत्रण न पाया जाएगा तब तक भारत की राजधानी दिल्ली अपराध मुक्त नहीं हो सकती है। दिल्ली पुलिस के संदर्भ में योगेश सिंघल जो चेयरमैन हैं दी बुलियन ज्वेलर्स एंड एसोसिएशन के, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, जो कि वहाँ के डीसीपी द्वारा लगातार जब कोई मामला ज्वेलर्स के तरफ से दर्ज कराया जाता है तो त्वरित कार्रवाई कर करके अपराधियों को कानून के हवाले कर लिया जाता है, और उन्होंने 65 लाख की लूट की भी एक मामले का जिक्र किया। उसी प्रकार से प्रीतमपुरा में जहाँ वे रहते हैं और उनके परिवार में ही उनके अपने ही नौकर द्वारा जो आया था लेकिन दगा देने का काम किया और अपनी मालकिन के ऊपर प्राण घातक प्रहार कर करके लूट को अंजाम दिया था, उसे भी ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार के नेतृत्व में एसीपी विकास शिवकंद की टीम ने जिस त्वरित गति से कार्रवाई करके अपराधियों को कानून के शिकंजे में लाने का काम किया है और समान की बरामदगी की है, यह एक मिसाल है। और इसके लिए बार बार चेयरमैन द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन योगेश सिंघल ने दिल्ली पुलिस को बधाई दी है। अब हम योगेश सिंघल जी से बात करेंगे, जो कि आप काफ़ी समय से 1981 से ही आप दिल्ली में रह रहे हैं, ऐसे आप पीछे खेकरा यूपी के रहने वाले हैं, निवासी हैं, और आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी आप काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, साथ ही आपने बीकॉम तक की शिक्षा प्राप्त की है। तो आप यह बताइए, जो चांदनी चौक जो लाल किला के ठीक सामने है और काफ़ी आज सौंदर्यीकरण के मामले में आज दिल्ली का एक बेहतरीन क्षेत्र चांदनी चौक बन गया है, और फिर बरसात में वहाँ पानी लग गई थी जिसके कारण काफ़ी शोर शराबा हुआ था और मीडिया में भी खबर बनी थी, आप तो चूंकि वहीं के निवासी हैं, और चांदनी चौक का एक समय में ऐसी स्थिति थी जो एक आदमी जो है सो सीधा एक कदम से दूसरा कदम जा नहीं सकता बगैर एक दूसरे से टकराए हुए। आज के समय में दाएं से आना बाएं से जाना एक सिस्टम डेवलप हो जाना, तो आप इसे किस नज़रिया से देखते हैं और आप राष्ट्र को आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, चांदनी चौक का सौंदर्यीकरण किया है उसका सभी व्यापारी स्वागत करते हैं। दूसरा, आपने बताया कि पानी भरने की शिकायत पीछे आई थी तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी सीवरों को साफ किया है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि यहाँ होलसेल का व्यापार है और सभी तरह के होलसेल की मंडियाँ यहाँ पर हैं, तो वहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग की बहुत बड़ी समस्या है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो जेम एंड ज्वेलरी का बिजनेस है हमारा, सोना चांदी यहाँ पर आता है, तो उनकी गाड़ियों के लिए भी नोटिफिकेशन में कोई बुलियन वर्ड नहीं लिखाया गया, सिर्फ कैश बैंक वैन को इजाज़त दी गई, जिसके लिए हम पिछले 2-3 महीने से धक्के खा रहे हैं प्रशासन के भी और अधिकारियों के भी। अगर वो मीटिंग में बुलियन शब्द लिख देते तो ये जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को इतनी परेशानी नहीं होती।
दूसरी चीज़, कपड़े वाले भी हैं, बिजली वाले भी हैं और स्टेशनरी वाले भी हैं, इनकी कपड़े की और उसकी सामान की गांठें आती हैं। तो उसके अंदर भी हालांकि एमसीडी ने उनको जगह कुछ अलॉट करने की बात की है, शायद अभी तक वो उनके कब्जे में नहीं आई है। तो वो माल 9 बजे से 9 बजे तक बिजनेस हवा होते हैं और व्यापारी को सुबह 9 बजे से पहले और रात को 9 बजे के बाद, तो 12 घंटे तो ये हो चुके हैं। उसके बाद में वो कितना समय अपने परिवार को देगा, कितना समय अपने व्यापार को देगा, क्या वो सुबह 8 बजे आकर के लोडिंग कराएगा, उसके बाद फिर घर जाएगा, फिर वो वापसी व्यापार खोलेगा, तो ये कई तरह की समस्या है। दूसरा, यहाँ पर पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है जो कि अब धीरे धीरे बन रही हैं तो वो दूर हो जाएगी। तो ये कुल मिला के होलसेल मंडी का ये स्वरूप है। इसमें कहीं ना कहीं जो गली कूचे हैं, अभी पीछे बारिश आई, बारिशों में दुकानों में पानी भर गया, गलियां छोटी हैं, नीची हैं, सब सीवरों में पानी मर मर के और दुकानों में चला गया। व्यापारियों का बहुत किसी का कपड़े का नुकसान हुआ, मेरी खुद की दुकान में भी पानी काफ़ी आया और अभी भी आ रहा है, तंग कर रहा है। जब भी बारिश होती है पानी भर जाता है। तो कहीं ना कहीं गली कूचों की पाइपलाइन, सीवर लाइन, बिजली की तारें, इनको भी ठीक करने की जरूरत है। अभी चांदनी चौक में मेन में तो सजावट कर दी है, लेकिन जो अंदर स्वरूप है जहाँ पर भीड़ रहती है, एक गली में 10,000 आदमियों का फुटफॉल रहता है, वहाँ पर भी सुरक्षा के इंतजाम और बिजली के, पानी के और सीवर के इंतजाम करना बहुत जरूरी है। आपने सुना योगेश सिंगल जी को, उन्होंने बड़े ही सच्चाई के साथ वहाँ की मूलभूत जो समस्या है उससे आपको अवगत कराया। चाहे वह केंद्र की सरकार हो, चाहे वह प्रदेश की सरकार हो, चाहे निगम में जो सत्तारूढ़ हों, उन सभी का यह नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि भारत की राजधानी दिल्ली को साफ और सुथरा बनाने के साथ साथ वहाँ पार्किंग की समुचित व्यवस्था वो कराएं, और यह जो जल जमाव और जल भराव की जो स्थिति है उससे व्यापारियों को निदान दिलाया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति करने की जगह यह सभी एजेंसियां का दायित्व बन जाता है कि वह अपने व्यापारियों को सुविधा मुहैया कराए, क्योंकि व्यापारियों के टैक्स से ही देश की, प्रदेश की सरकारें चलती हैं। निगम को भी व्यापारियों द्वारा प्राप्त टैक्स से ही उनका बजट तैयार होता है और विकास की रूपरेखा बनती है। इसीलिए व्यापारी को किसी भी देश समाज के लिए रीढ़ का हड्डी माना जाता है। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम आपसे यहीं विदा लेंगे। साथ ही हम फिर से एक बार देश की सरकार और प्रदेश की सरकार से और निगम से आग्रह करेंगे कि वे चांदनी चौक की मूलभूत समस्या जो है, जल भराव की, जल जमाव की और पार्किंग की, उस पर यथाशीघ्र ध्यान दें ताकि व्यापारी सुकून के साथ भारत की राजधानी दिल्ली में व्यापार कर सकें और व्यापार करने के बाद सरकार को खुशी खुशी टैक्स अदा कर सके। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे यही विदा लेते हैं। राज सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। देश में कोरोना के बीते 24 घंटे में संक्रमण के 35,000 से ज्यादा नए मामले, रिकवरी रेट लगभग 98%, सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, किश्तवाड़ा से पूर्व आतंकी हुआ गिरफ्तार, कोर्ट में होगा पेश। बीजेपी नेता सोनोवाल और मुर्गन को राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया। आरएन रवि ने तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। सरकारी बैंकों का बुरा दौर हुआ खत्म, केवल 2 में घाटा किया गया दर्ज। अरविंद केजरीवाल और हरदीप पुरी ने किया ढांसा बस स्टैंड नजफगढ़ सेक्शन का उद्घाटन। हरदीप पुरी ने कहा मेट्रो जैसी ट्रेल ब्लेजर परिवहन प्रणाली के साथ दिल्ली में लंदन न्यूयॉर्क जैसी विश्व स्तरीय शहर बनने की क्षमता है। पंजाब की सियासत में बड़ा धमाका, सोनिया गांधी ने कैप्टन अमरिंदर से मांगा इस्तीफा।
इसरो ने दो स्पेसटेक स्टार्टअप संग किया समझौता, रॉकेट सिस्टम लॉन्च करने में करेगा मदद। नामचीन अभिनेता